हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओईआरओ की टाइपिंग अभी हाल में हुई, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि टाइपिंग का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा या फिर किस तरह से उसमें आता है टाइपिंग का मटेरियल वो सभी। तो यहाँ पे उसी एग्ज़ाम की बात करेंगे, यूपी पीसीएस आरओईआरओ की। पहले बात करते हैं कि प्री और मेंस कैसे होता है। उसके बाद पहले प्री का पेपर होता है जिसमें आरओ और एआरओ दोनों का सेम पेपर होता है। उसके बाद मेंस का भी दोनों का सेम पेपर होता है। अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, वो आरओ के लिए क्वालिफाई है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो एआरओ के लिए भी क्वालिफाई है। उसके थोड़े कम मार्क्स हैं, अगर वो केवल एआरओ के लिए क्वालिफाई है, तो उसे टाइपिंग देना पड़ेगा। आरओ के एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं होती है, एआरओ के एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग भी लिया जाता है। इसके अलावा आरओ के एग्ज़ाम में आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। लेकिन एआरओ के एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर की कोई डिग्री चाहिए, चाहे आपको बीटेक हो सीएसआईटी से, या फिर आपका कोई ओ लेवल हो, या फिर ओ लेवल के समकक्ष कोई भी डिप्लोमा हो। इसका एक नोटिफिकेशन आया था आयोग की तरफ से, मैंने उसको टेलीग्राम पर आपको शेयर भी किया था। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। उसमें आप मैच कर लीजिएगा कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा डिप्लोमा है, उसी के हिसाब से आप एआरओ का फॉर्म भर सकते हैं। आरओ का फॉर्म सबके लिए है। इसके अलावा बात करते हैं प्री के एग्जाम की, तो दोनों का सेम का पेपर होता है। एक जीएस का पेपर होता है जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। जो ये पेपर क्वालिफाई करता है प्री वाला, उसके बाद वो मेंस में अपीयर होता है। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप एक जीएस का पेपर होता है, मतलब जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा उसके सेकंड नंबर पर आता है हिंदी। हिंदी का पेपर भी होता है, निबंध का पेपर होता है, पत्र का पेपर होता है। इसके अलावा विलोम शब्द और इसके अलावा कुछ टॉपिक दिए हैं आपको, वो सभी टॉपिक सिलेबस में मिल जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके। नहीं मिल रहा होगा आपको तो कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी दोबारा से। उसके बाद एआरओ के लिए तीन स्टेजेस होती हैं, मतलब लास्ट वाली जो स्टेज एआरओ के लिए होती है वो होती है टाइपिंग। आरओ के लिए केवल प्री और मेंस आपको क्वालिफाई करना है। एआरओ में जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी टाइपिंग, और टाइपिंग आपको हिंदी में देनी होगी। जैसा कि अगर आपने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दिया था, जब ये रिसेंट की बात नहीं है, अब तो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, हाई कोर्ट के आरओ एआरओ में उसी दिन प्री होता है, उसी दिन टाइपिंग हो जाती है और इंग्लिश में टाइपिंग होती है। लेकिन इससे पहले जो होता था हाई कोर्ट का आरओ एआरओ, उसमें आपको मतलब एआरओ के एग्ज़ाम में उसमें आपको पहले पेपर देना होता था प्री का, उसके बाद उसका रिजल्ट आता था, फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था। तो उस टाइम पे मैंने भी वो टाइपिंग दिया था, इंग्लिश में वो टाइपिंग होती थी। लेकिन यूपी पीसीएस आरओईआरओ की बात करें तो इसमें हिंदी में टाइपिंग होती है, कृति देव फॉन्ट पर इसकी टाइपिंग होती है। और इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है, तो अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका अच्छे से मतलब उस टाइम तक कोई टेंशन नहीं रहेगी। लास्ट टाइम के लिए मत रखिएगा टाइपिंग, अगर आप एआरओ के लए अपीयर हो रहे हैं। तो इस बार आरओ एआरओ की ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। कृति देव फॉन्ट पे आपकी जो टाइपिंग होती है, बहुत मेरी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही इजी मैटर आया था उसमें। सिंपल वर्ड थे कुछ, आपको ज़्यादा कीज़ वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, शॉर्ट कीज़ वगैरह, तो वो सब आप देख लीजिएगा। और एक सिंपल सा आपको आधी स्क्रीन पे मैटर दिया होगा। हाईकोर्ट आर ओ आर ओ में कोई भी वर्ड जो है हाईलाइट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हिंदी वाले में जो यूपी पीसीएस वाला आर ओ आर ओ है, इसमें आपको वर्ड्स हाईलाइट होते हैं। आपको जो टाइप करना होगा वो वर्ड वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, पूरी लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, आप उसको टाइप करते रहिए। अगर आप गलत टाइप करेंगे तो 00 ऐसे लिख के आ जाएगा, इससे आप अपना सुधार भी आसानी से कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर एरर आ रही है। 5 मिनट में 125 वर्ड टाइप करने होते हैं, मतलब 1 मिनट में आपको 25 वर्ड यहाँ पे टाइप करना होगा, 25 की आपकी स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में। तो ये चीज़ें हैं टाइपिंग का मटेरियल, और बहुत ही इजी मटेरियल आया था। मेरा कोई भी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, मैंने प्रैक्टिस की थी, पहले की थी, लेकिन पिछले एक महीने से मैंने कोई टाइपिंग नहीं की थी। मुझे बस कीज़ याद थी, और बहुत सारी उसमें एरर भी हो गई है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसमें। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी जाने के लिए। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उन्होंने अलग से भी मैसेज किया था मुझे कि मुझे जाना चाहिए, मतलब बहुत इनकरेज किया था, उसके लिए थैंक यू, और इसी वजह से मैं गई थी। बहुत आपने ब्लॉग देखा ही होगा, उसके बाद फिर जिससे मैं ये सभी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो वैकेंसी आने वाली है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आर ओ आर ओ की आपको जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक, उसका आपको नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 7355459135, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके देख लीजिएगा। जो भी शॉर्ट नोट वगैरह होगा आर ओ आर ओ का, अब लगातार आर ओ आर ओ पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो पर फोकस किया जाएगा, जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहेगी अब, जो कि अभी तक आपको 17 टेस्ट दिए जा चुके हैं, जो आप लगातार सॉल्व करते जा सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपको टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, वो भी आप जाके उसी में ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।